कांग्रेस नेताओं के बगावती सुर के बीच हाईकमान ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अंबाला छावनी विधानसभा से वेणु सिंगला अग्रवाल, अंबाला शहर से पूर्व विधायक जसबीर मलौर को चुनावी मैदान में यहां पर उतारा गया है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीता अटकलों का बाजार गर्म होता चला गया। हुड्डा और शैलजा गुट के बीच चल रही कलह खुलकर सामने आ गई जैसे ही अंबाला शहर से पूर्व विधायक जसबीर मलौर का नाम सुर्खियों में आया, तो यहां पर भी हिम्मत सिंह के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। आलम यह रहा कि निर्मल सिंह और हिम्मत सिंह के समर्थक वेणु अग्रवाल और जसबीर मलौर की खिलाफत करने लगे। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हमारे संवाददाता ने जसबीर मलौर से खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला में, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए विधायक पद के उम्मीदवार जसबीर जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या रहेंगे। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर, मुझे ये बताइए कि आपके जो मुद्दे रहेंगे चुनाव के लिए वो क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे एक तो भ्रष्टाचार है, और एक नौजवान साथी जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। और जिस तरह से पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने जो लोगों से वादे किए थे, झूठे और थोथले वादे करके उनकी वोट को लूटने का काम किया, चाहे किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात थी, चाहे नौजवान साथियों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, चाहे हमारे कर्मचारी थे उनको पंजाब के समान वेतन देने की बात थी। और आज हर वर्ग मौजूदा सरकार से परेशान है। सर, एक चीज़ और बताइए कि लगातार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी को लेके है। गुटबाजी नहीं कहेंगे इसको, हर आदमी को टिकट अप्लाई करने का अधिकार है। हर पार्टी में 5-5, 7-7 ऐसे एक्टिव लोग होते हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, अप्लाई भी करना चाहिए, लेकिन टिकट एक है। ये पार्टी का निर्णय करती है कि किस व्यक्ति को कहां से चुनाव लड़ाना है। और क्योंकि सर्वे भी होता है, क्योंकि सरकार बनानी है पार्टी ने, और सब सर्वे के आधार के ऊपर जिस तरह से पार्टी ने निर्णय लिया, और मुझे यहाँ से अंबाला शहर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक प्रत्याशी बना करके जो भेजा है, और दूसरे हम सब साथी इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब इकट्ठे चलेंगे। एक विपक्षी पार्टी कह रही है 75 पार का नारा दे रही है, आप कितना पार जाएंगे? जो भाजपा आज अपने आप को ओवर एस्टिमेट समझ रही है, वो समझ रही है वाक ओवर है, हमारा कोई मुकाबला किसी से नहीं, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा जो महंगाई की मार है, 75 पार तो उन्होंने प्याज आलू और खाने के जो डेली यूज की चीजें हैं वो 75 पार करी हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 75 पार नहीं, इस बार भाजपा हरियाणा से बाहर जाने वाली है, और प्रदेश का जो माहौल है, प्रदेश का जो वातावरण है, वो कांग्रेस के पार्ट में दिन प्रतिदिन बन रहा है। जनता चाहती है कि कब 21 तारीख आए और भाजपा को यहाँ से चलता कर करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनने जा रही है।